नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसेबल कैश ने हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों कल मैंने बात कही थी कि बैंक निफ्टी एक आइडियल कैंडिडेट है अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है मार्केट में, क्योंकि बैंक निफ्टी चूंकि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और यहाँ से अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर कहीं पर अपसाइड क्रॉस करता अगर तो मार्केट में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, क्योंकि मार्केट फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी में रहता और यहाँ पे मार्केट में कोई भी एक रेजिस्टेंस नहीं रहता फिर मार्केट में, ठीक है, दूर दूर तक। तो परंतु मार्केट में एक ओपनिंग मतलब ओपनिंग हुई, सॉर्ट ऑफ गैप गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी, परंतु मार्केट कुल मिला के ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं ट्रेड कर पाया, इस लेवल के हाई के ऊपर मार्केट मूव नहीं कर पाया। पहले टिक मार्केट ने जो लगाया वो ऑलमोस्ट यहाँ ही फ्लैट के आसपास लगाया, फिर मार्केट साइडवेज रहा पूरे दिन, ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज रहा बैंक निफ्टी, और फिर मार्केट ने एक डाउनवर्ड क्लोजिंग आपको सेलिंग देते हुए क्लोज करी। निफ्टी बहुत नेगेटिव रहा है यहाँ पर। निफ्टी के लिए हमने ये कहा था कि आप देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कल एक चीज बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से लेवल प्ले आउट हुआ है। आप अगर देखेंगे तो मैंने कल कई बार मैंने आपसे कहा था कि 18,350 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो की इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी मैंने आपको बताया था कि यही वो लेवल है जहां पर मार्केट ने कई बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहां पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इसको, फिर यहां पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऑलमोस्ट यहां पर रिस्पेक्ट किया, फिर से यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर एक ब्रेक ब्रेकआउट आपको दिया, ठीक है। तो मैंने यही कहा था कि 18,350 का जो 340 का जो ये जोन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, क्योंकि यहीं से फिर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। तो ये इस लेवल को अगर मार्केट जब तोड़ेगा ना तब मैं यहाँ पर अपनी एक सेलिंग पोजीशन मार्केट में बना सकता हूँ। उसके पहले मैं मार्केट में अवॉइड करूंगा किसी भी तरह की सेलिंग करने के लिए क्योंकि मार्केट में जो बेसिक जो ट्रेंड है, जो अभी रीसेंट ट्रेंड है, वो अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलिंग करना प्रेफर नहीं करूंगा, और मार्केट आप देखेंगे 350 के अराउंड ही मार्केट ने बहुत टाइम बिताया, यहाँ पर बहुत समय बिताया, फिर मार्केट ने एक ब्रेक दिया आपको यहाँ पर इस तरह से, फिर एक मार्केट ने ब्रेक दिया और फिर मार्केट कंटिन्यूसली फिर बहुत तेजी से नीचे ही आता चला गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा, ये जब आप एक सही एनालिसिस करते हैं ना तो मार्केट आपको खुद ही बता देता है कि बॉस आपका ये एनालिसिस यहाँ पर सही है, और बहुत अच्छे से उस एनालिसिस को आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, आपको इसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में कि यार मार्केट मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहा है या मैं सही एनालिसिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मार्केट आपको खुद बता देगा कि आप कैसा एनालिसिस कर रहे हो और आप कब आपको अपने एनालिसिस को, मान लीजिए आपने कुछ एनालिसिस किया मार्केट ने वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि वो हाँ मेरा एनालिसिस यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 350 का अराउंड कितना टाइम यहाँ पर बिता है, तो यहाँ पर अगर मार्केट में अपसाइड ब्रेक में मुझे मिलता तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक बुलिश ट्रेड प्लान करता, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अपसाइड है, ठीक है। मेरे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट भी लिया और फिर एक मुझे बुलिश एक रेंज बना के मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, ठीक है, और उसके बाद एक बुलिश ट्रेड मुझे मार्केट ने दिया, तो यहाँ पर मैं बुलिश एंट्री बहुत अच्छे से डालता, और वहीं मार्केट ने जैसे इसको नीचे तोड़ा तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। आप फिर देखेंगे कितनी तेजी से मार्केट कितने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट नीचे गिरा। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें अब किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है। यहाँ पर अभी देखिए मेरे लिए मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग का लेवल क्या होगा, देखिए मैं बिल्कुल प्लान करूंगा यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और फिर मार्केट अगर लो क्रॉस करता है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कॉल सेल करना प्रेफर करूंगा। 18,300 के कर सकते हैं, 18,250 के मार्केट में हम कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट अगर 18,200 के लेवल को फिर से क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट में आपको एग्रेसिव सेलिंग फिर से देखने को मार्केट में मिल सकती है, ठीक है। अगर मार्केट में मान लीजिए किसी भी तरह की कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं पे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, और मार्केट फिर अपना 18,200 का लेवल फिर से क्रॉस करता है तो आपको फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं पे मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर से मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि बॉस किस तरह का मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर मार्केट अपसाइड पर जाता है अपने रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता है और फिर से नीचे आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी प्लान कर सकते हैं। अभी कुल मिला के मेरा आपसे यही कहना है कि अभी हम बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम कॉल सेलिंग मार्केट में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर डेली चार्ट पर देखेंगे ना तो मार्केट में स्ट्रक्चर कोई इतना बिगड़ा नहीं है अभी भी, ठीक है, इतना कोई परेशान करने वाला स्ट्रक्चर नहीं हुआ है,
क्योंकि देखिए यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम है, फिर से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है, मे बी मार्केट थोड़ा सा आपको डाउन साइड रिट्रेसमेंट फिर से दे सकता है, फिर से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में करिए। वही सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आपको यहाँ पर सेलिंग का मौका मिलता है, मान लीजिए मार्केट 43,900 के इस जोन में आसपास खुलता है, फिर अपना लो क्रॉस करता है, तो यहाँ पे भी मैं कॉल सेलिंग करना प्रेफर करूंगा। 44,000 का कॉल सेल कर सकते हैं, 43,900 का यहाँ पर कॉल सेलिंग करी जा सकती है, परंतु एग्रेसिव सेलिंग में यहां पर अभी करना प्रिफर नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट में किसी भी तरह का कोई बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो फिर से मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन देखूंगा कि मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में भी यही वो लेवल है, अराउंड 43,600 का लेवल है, जहां पर एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, ये अब ये एक सपोर्ट की तरह फिर से एक्ट कर सकता है, ठीक है। 43,600-500 ये एक सपोर्ट जोन मार्केट में हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर से आपके लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें बाइंग कब करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, जब तक कि आपको मार्केट 44,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए यहां पर मार्केट गया इस तरह से, मुझे प्राइस एक्शन अगर मार्केट बनता हुआ दिखाई देता है, 44,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब मैं मार्केट में बाइंग प्लान करूंगा। उससे पहले मैं मार्केट में अभी इमीडिएटली बाइंग प्लान नहीं करूंगा मार्केट में, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए अभी ये एक डीप करेक्शन होगा, या यहाँ पर एक कंसोलिडेट, इस तरह का मार्केट कंसोलिडेट करता रह जाएगा, ठीक है। 500 पॉइंट की रेंज में, 500 या 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ये मार्केट आपको खुद ही बता देगा। क्योंकि जब भी मार्केट में कोई डीप करेक्शन आना होता है, तब मार्केट में बहुत फियर्स मोमेंटम होते हैं, बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मार्केट जब गिरना शुरू हुआ, तो मार्केट बहुत तेजी से आया, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर इस तरह का मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखाई देता है, तो हम समझे कि हाँ भाई डीप करेक्शन आ सकता है, नहीं तो मार्केट में फिर से आपको जैसे ये इस तरह का ये जो मार्केट मोमेंटम था, मार्केट काफी 5-6 दिन तक लगातार इसी पर्टिकुलर रेंज में घूमता रहा, ठीक है। तो इस तरह के मे भी मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को फिर से मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर पहला एक्शन हमारा होना चाहिए कि हम कॉल सेल करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ यहां पर हम जब मार्केट में हमें एक अच्छा कैंडल दिख जाएगा, 43,600 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग होती है हमें दिख जाएगी, तब हम मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग फिर से प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात रही हमारे चार्ट एनालिसिस की। देखिए ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी में 18,400 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 44,000। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक निफ्टी में 18,400 के ऊपर मार्केट नहीं टिकता है, तब तक मैं किसी भी तरह की बाइंग नहीं करूंगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं टिकेगा, तब तक मैं कोई भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहीं आप अगर एफआई डेटा देखेंगे, तो कॉल्स यहां पर सेल करे गए हैं और पुट सेम भी यहां पर सेल करे गए हैं, परंतु कॉल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। एफआई जो फ्यूचर्स है, वहां पर कोई बड़ी इतनी एक्टिविटी है नहीं, पर सेलिंग हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा भी यही कहना है कि बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई के मार्केट है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक ऑल टाइम हाई पे एक रिएक्शन मार्केट का देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर एक करेक्शन भी हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो अभी कंक्लूजन पे हम जंप नहीं करेंगे, हम मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे। एक कॉल सेलिंग आप जरूर यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, हम कॉल सेल कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में सेलिंग करी जा सकती है कॉल्स की, बे कॉल स्प्रेड आप डाल सकते हैं, ठीक है। राउंड लेवल्स के जैसे 18,400 हो गया निफ्टी में, 43,000 हो गया बैंक निफ्टी में, इस तरह का भी हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर हम यहाँ पर सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर हम पुट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए तब तक के लिए हमें थोड़ा कम क्वांटिटी मार्केट में सेलिंग प्लान करना है। अभी यूएसडी आईएनआर देखेंगे, तो कोई बड़ा यहाँ पर मोमेंटम अभी भी नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। ना ही इसने इसका अपने कैंडल का जो बेरिश, जो ऑलमोस्ट हमें बेरिश कैंडल दिखाई दे रही थी, उसका लो क्रॉस किया है, तो उसी के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें दिख जाएगा, अगर मार्केट अपना हाई ये वाला क्रॉस करता है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, अगर मार्केट अपना हाई यहाँ पर क्रॉस करता है, तो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट हाई क्रॉस करता है, तो एक बुलिश ट्रेड यहाँ प्लान हो सकती है। वहीं अगर मार्केट इसका लो क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पर कॉल सेलिंग यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी और डॉलर का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हाँ हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए। हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।